टाइल साहब बाजार खुल रहे हैं, आप देख के आए हो? मैं बाजार में तो गया नहीं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की मंडियां बाजार में गए। नहीं नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। आपको पता जरूर है बाजार खुले हैं, जिम्मेवारी लो। सर्वेश जी, मैं हूँ स्टेट अनाज मंडी का संयोजक। पूरे हरियाणा की मंडियां बंद है और पूरे कह रहा कि जिम्मेदार आप हो। मैं ये नहीं कह रहा जिम्मेदार आप हो, मैं कह रहा हूँ बाजार खुले हैं। पूरे हिंदुस्तान की मंडियां बिल्कुल पूर्णतः बंद है और एक दो जगह मंडी की तो दुकानों को छोड़ के बीजेपी वालों की, बाकी सब पूर्णतः बाजार बंद है, पूरा हिंदुस्तान बंद है। ये ऐतिहासिक बंद है। आप ये कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी वालों की दुकानों को छोड़ के, तो क्या ये बाजार सारे बीजेपी के हैं? बाजार नहीं, एक आधी दुकान खुल ली है, कहाँ सारा बाजार खुला है? ये दर्शक जो है ना, अभी स्क्रीन पे वो बाजार की भी फिल्म देख रहे होंगे, साथ साथ वो मूविंग में शॉर्ट्स है। पूरा बाजार खुला है? पूरा बाजार नहीं खुला। जिम्मेदारी से बच रहे हो? मैं जिम्मेवारी से क्यों बच रहा हूँ? मैं खुला है, मंडी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। खुला बोलो कि खुला है? पूरे ईव कैमरा मार के देख लो, जो एक दुकान खुल रही हो तो। तस्वीरों में जो शख्स आपको ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आज 26 मार्च के दिन किसानों का जो आज भारत बंद का आह्वान था, उसमें प्रदेश भर की मंडियां बंद रही, उनका मैं तारुफ आपको करवा देता हूं। वो दरअसल रामावतार तायल हैं। रामावतार तायल हरियाणा भर की मंडियों के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की तमाम मंडियां आज बंद रही। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो हांसी में रहते हैं, हांसी में उनकी आदत की दुकान है, और तस्वीरों में जिस वक्त वो ये कह रहे थे कि अनाज मंडियां बंद हैं, तो आपने बगल में जो एक पिक्चर देखी वो इन तायल साहब की दुकान थी। अनाज मंडी में अधिकांश दुकानें खुली थी, और बाजार की बात करें तो हांसी के तमाम बाजार आज खुले रहे। व्यापारी नेता ये मानने से बचते रहे कि बाजार खुले हैं। उन्होंने तर्क दिया इक्का दुक्का दुकानें खुली हो सकती हैं जो बीजेपी वालों की हैं, लेकिन जनाब ये तो पूरे के पूरे बाजार खुले हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये तमाम बाजार बीजेपी समर्थकों के हैं या बीजेपी कार्यकर्ताओं के हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी सोच को सलाम, लेकिन ऐसा नहीं है। बंद का असर सिर्फ रास्तों पर दिखा, रोड पर दिखा, सड़कों पर दिखा, और सड़कें भी नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे, और इसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी व्यापार मंडल की है, जो व्यापार मंडल आए दिन ये कहता था कि उनका समर्थन किसानों के साथ है, वो व्यापार मंडल आज दिखाई नहीं दिया। इस व्यापार मंडल के नेताओं के तमाम दावे, तमाम बातें झूठी साबित हुई। बाजार खुले थे, इसके दो मायने हैं। या तो बाजार के लोग अब व्यापारी नेताओं को अपना नेता मानने से इनकार करते हैं, या फिर नेता खुद नहीं चाहते थे कि बाजार बंद हो। वजह जो भी हो, लेकिन नेताजी की आज ये झूठ पकड़ी गई जिसमें उन्होंने दावा किया कि बाजार खुले हैं। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं, ये आज की ताज़ा तस्वीरें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। तमाम बाजार खुले थे, अनाज मंडी की भी अधिकांश दुकानें खुली थी, और दरअसल रामावतार तायल विकास सीसर के साथ आज गाड़ी में घूम रहे थे, और इसी बीच उनकी हमसे बातचीत हुई। और जब हमने उनसे ये पूछा कि जनाब मार्केट तो सभी खुली हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं, तो उस पर वो तिलमिलाए, दलील दी, बचाव में तर्क भी दिए, लेकिन झूठे तर्क कोई काम न आ सके, क्योंकि हमारे पास तस्वीरें थी और तस्वीरें सच बोलती हैं। आइए अब आपको पूरी बात सुनवा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ विकास सीसर हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, और टीकरी बॉर्डर पे और तमाम बॉर्डर्स पे आपने पहले भी इनको देखा होगा। रामावतार तायल भी हैं, व्यापार संगठन को से संबंधित हैं, ये सबसे बात करेंगे। विकास भाई, आज का बंद की कॉल थी और तकरीबन कामयाब से बता रहे, लेकिन बाजार खुले हैं? देखिए, हमने तो दिखे नहीं, आपने कड़े देखे हो, बेरा नहीं आवे, ये बाजार में आए हैं सीधे आपके पास में। अगर कोई खुला होगा तो बाजार में जाऊंगे, यार तो जंदे बाजार। चलो वो तो हमने भी रिकॉर्ड किया है, वो तो सब लोग भी देख लेंगे। मेरा सवाल ये था कि क्या व्यापार संगठन साथ में नहीं है? बिल्कुल, ये व्यापार संगठन नहीं, मेरे साथ। मैं तो इनसे भी कह रहा था, ये रामावतार तायल हैं, अनाज मंडी के पहले प्रधान भी रह चुके हैं, और अब जो मंडियां हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये तायल साहब। बाजार खुले हैं, आप देख के आए हो? मैं बाजार में तो गया नहीं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की मंडियां बाजार में गए। नहीं नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। आपको पता जरूर है बाजार खुले हैं, जिम्मेवारी लो। सर्वेश जी, मैं हूँ स्टेट अनाज मंडी का संयोजक। पूरे हरियाणा की मंडियां बंद है और पूरे कह रहा कि जिम्मेदार आप हो। मैं ये नहीं कह रहा जिम्मेदार आप हो, मैं कह रहा हूँ बाजार खुले हैं। पूरे हिंदुस्तान की मंडियां बिल्कुल पूर्णतः बंद है और एक दो जगह मंडी की दुकानों को छोड़ के बीजेपी वालों की, बाकी सब पूर्णतः बाजार बंद है, पूरा हिंदुस्तान बंद है। ये ऐतिहासिक बंद है। आप ये कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी वालों की दुकानों को छोड़ के, तो क्या ये बाजार सारे बीजेपी के हैं? बाजार नहीं, एक आधी दुकान खुल ली है, कहाँ सारा बाजार खुला है? ये दर्शक जो है ना, अभी स्क्रीन पे वो बाजार की भी फिल्म देख रहे होंगे, साथ साथ वो मूविंग में शॉर्ट्स है। पूरा बाजार खुला है? पूरा बाजार नहीं खुला। जिम्मेदारी से बच रहे हो?
मैं जिम्मेवारी से क्यों बच रहा हूँ? मैं मंडी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। खुला बोलो कि खुला है पूरे पूरे ईव कैमरा मार के देख लो, चाहे एक दुकान खुल रही हो तो आप कड़े देख के ले रहे हो, कड़े तबड़ा के ले रहे हो तो बहम दूर कर देंगे भैया। अगर किसी के बहम है तो हम साथ चलेंगे, इस बातचीत के बाद में इकट्ठे चलेंगे। इसका विकास सिसर मेरे साथ होगा, रामोतार तायल मेरे साथ होगा, उनके साथ चलेंगे गाड़ी में बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे, उससे उससे कोई बात नहीं। उससे पहले बात कर लेते हैं, किसान कब जागेगी? आज जो है पूरे भारत बंद की कॉल थी, इसके बाद कोई उम्मीद है? देखिए मैं ये कहूँगा कि ये लड़ाई केवल किसान की लड़ाई नहीं है, ये आंदोलन ये क्रांति बन गई है। और ये क्रांति जो है सालों साल बाद क्रांति आती है देश में, आज़ादी की लड़ाई के बाद ये पहली क्रांति इस देश में आई है। और ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है, ये लड़ाई मजदूर की लड़ाई है, ये लड़ाई व्यापारी की लड़ाई है, ये लड़ाई आढ़ती की लड़ाई है, क्योंकि पेट भरने के लिए सबको अन्न चाहिए। दूसरी बात, जो जिस प्रकार का रवैया सरकार अपना रही है, हरियाणा के अंदर विधानसभा में काला कानून लिया है सरकार, संपत्ति अधिनियम, क्या वो अधिनियम मजदूर यूनियन पर काम नहीं करेगा? क्या वो अधिनियम जो है कर्मचारी यूनियन पर काम नहीं करेगा? क्या वो अधिनियम व्यापारी यूनियन के नेताओं के ऊपर काम नहीं करेगा? सरकार जो जिस तरीके से इस देश से लोकतंत्र को मिटाना चाह रही है, उस लोकतंत्र बचाने की ये लड़ाई बन चुकी है, पूंजीवादियों के खिलाफ ये लड़ाई हो चुकी है। ये खाली कानून वापसी से मैं समझता हूँ कि जितना या लेट हो रही है ना सरकार तो ये समझ रही है कि हम इनको थका देंगे किसान को, लेकिन मैं ये समझता हूँ जितना समय लग रहा है इतना ही समय लोगों को जो है देश की जनता को जागरूक हो रही है, सारी की सारी जनता। आपको लगता है कि सरकार अब किसानों को हल्के में ले रही है? कोई फिक्र नहीं है क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, बातचीत ही नहीं हो रही, सरकार ने बिल्कुल छोड़ दिया। अभी तो हम ये कर रहे हैं कि हम ले रहे हैं सरकार न लड़का, हम बातचीत करना है इंसान दे, हमने के सरकार का मुँह देखना है। तो कई बार कहते हैं बातचीत करो सरकार, बातचीत से हल निकलेगा। राकेश टिकैत जी का अपना अलग मत है, मेरा अपना अलग मत है, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो हमने सरकार से बातचीत करके उनका मुंह नहीं देखना, हमने हमारा हल कटवाना है और निश्चित तौर पर कटवा के मानेंगे। जितना लंबा है हमने खींचेंगे, जितना हमने दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही शक्ति के साथ इस आंदोलन को लड़ांगे। सबर का बांध टूट सकता है? सबर का बांध हमारा देश है, क्यों तोड़ांगे हम सबर का बांध? सबर का बांध टूटेगा नेताओं के प्रति, और टूटे रहा है पहले। किसी नेता की बताओ हिम्मत हो तो किसी गांव में जाने की हिम्मत हो, कोई रैली करके दिखा दो, कोई किसान पंचायत करके दिखा दो, सबर का बांध टूटेगा तो हमारा देश की संपत्ति के प्रति थोड़ा टूटेगा, देश के लोगों का तो प्रेम बढ़ेगा। और जो ये नेता जो तानाशाही बरत रहे हैं इनके प्रति हमारा सबर का बांध टूटेगा नहीं, टूट चुका है। हमने इनसे सारी उम्मीदें, बिल्कुल हमारी सारी उम्मीदें छिन भिन हो चुकी है, हमने इन तक कोई उम्मीद नहीं। अब तो हमारा संघर्ष ही हमारी उम्मीद है, और निश्चित तौर पर हम अपना संघर्ष के बलबूते पर हम अपने ऊपर विश्वास करते हुए कहते हैं कि निश्चित तौर पर सरकार को हरा के छोड़ो। अच्छा, आप आज हांसी में खड़े हो, हांसी में भी 2 महीने बाद चुनाव है नगर परिषद के, टेंटेटिव डेट तो 2 महीने बाद है, 22 मई तक का कार्यकाल है, कभी भी चुनाव हो सकते हैं, स्थिति क्या रहेगी, प्रभाव कितना पड़ेगा किसान आंदोलन? देखिए हम अभी किसी वोट के ऊपर, किसी चुनाव के ऊपर, किसी पार्टी के ऊपर, किसी भी प्रकार की कोई विचार विमर्श नहीं करे। अभी हम कहते हैं बीजेपी को हराओ, आपके नेता पीछे ये कहते रहेंगे बीजेपी को हराओ। ध्यान जो है पूरे का पूरा ध्यान जो है वो चुनाव का हिस्सा नहीं है, वो एक आंदोलन का हिस्सा है, वो भी चुनाव का हिस्सा नहीं है। हमारा बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं, अगर ये आंदोलन नहीं चलता तो हम यह बात भी नहीं गंदे। हमारा किसी पार्टी को जिताने का मकसद नहीं है, ना किसी को हराने का मकसद है, ये आंदोलन का हिस्सा है। और अब हमारा फोकस आंदोलन के ऊपर है, और भविष्य में भी हमारा फोकस इस बात के ऊपर है जो हमारे मुद्दों के साथ जुड़ा है, जो इस दुख की घड़ी में, पीड़ा की घड़ी में हमारे साथ में आया है। जैसे आपने कह दी ना दुकान कई खुली है, हम उनको भी फोटो कहीं नहीं सर, बाजार के बाजार खुले हैं, कुछ जो विधायक के जो आदमी है उनकी कोई दुकान खुली होगी, उनके भी हम फोटो उतार के फोनवा के ऊपर गेरेंगे, और उनका निश्चित तौर पर बहिष्कार करेंगे। कम से कम किसान मजदूर और जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है उससे चीज नहीं खरीदेगा, क्योंकि आज हमारे दुख की घड़ी है, 300 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई साथी हमारे साथ में नहीं खड़िया तो हमने हमारे लिए थोड़ी रखी, हम उस दुकान पर चढ़ांगे, हम दूसरे भाई का बच्चा डांगे, हम तायल साहब की दुकान पर खरीदांगे जो हमारे साथ में खड़िया है। ये निश्चित तौर पर हम आगे फैसला लेने वाले हैं, जो आज का दिन हमारे गलत खड़िया नहीं मिलेगा उनकी भी निशानदेही किसान करेगा, और आगे आने वाले समय में उनका ध्यान रखेगा, हर एक आदमी का ध्यान रखेगा। बिल्कुल, जो किसानों के साथ खड़ा है किसान उसके साथ खड़ा होगा, जो नहीं खड़ा होगा उसका फिर बहिष्कार भी रहेगा, ऐसा योग आंदोलन एक तरह से चलेगा जो पहले कभी चला करता था। बिल्कुल ऐसा योग आंदोलन चलेगा, और सरकार के साथ भी ऐसा योग आंदोलन चलेगा। हमने ऐसी सरकार की आवश्यकता नहीं जो हमारे खिलाफ रोजाना कानून लिख दे, हमारे माथे में लिख दे कि मैंने कि कुछ न कुछ ये डाकू हैं, चोर हैं, डकैत से कुछ भी लिख दे हैं, इस प्रकार के कानून बनाने लायक रही है। ऐसी सरकार की हमने कोई जरूरत नहीं। जब सरकार हमने लोकतंत्र के अंदर जनता का राज, जनता असली मालिक हुआ है, मालिक सड़क बगैर दिया, ये जो हमारे नौकर थे
वहाँ राजकरण लाग रहे हैं, सीएम बैठे हैं, तो ये जो सारी की सारी व्यवस्था ना इसको उल्टी उड़े लेनी है, जगह पर मालिक को मालिक बनाना है और नौकर को नौकर बनाना है, और जब तक ये नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इसमें समय सीमा कुछ नहीं है, क्योंकि बड़ी क्रांति है, मैंने कहा बड़ी क्रांति जब आती है, समाज में व्यवस्था परिवर्तन जब होता है तो उसमें थोड़ा समय लगा है। 100 साल लगे थे आज़ादी दीवान में, हमें तो 100 दिन नहीं हुए हैं। अगले 100 दिन में न्यारा आपने देखा होगा कि जो पिछले जो 100 दिन गए हैं उनका असर आपने देखा होगा कि नेताओं के प्रति लोगों का जो रुझान आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता जिनके खिलाफ जिनके पीछे लाखों की तादाद में लोग चलिया करते, जड़े को लेकर जा तो फूल बरसते पाया करते, वहाँ आज उनकी हालात आप देखो, घर के अंदर जेल बन गई उनकी। तो ऐसे परिवर्तन आप लगातार देखोगे इस आंदोलन के माध्यम से, और निश्चित तौर पर मैं ये कहता हूँ कि ये आंदोलन जो है परमात्मा का देन है आंदोलन, और परमात्मा इस आंदोलन को चला रहा है। बिल्कुल, जिस तरह सरकार सोचती है इसी तरह किसान भी उससे एक कदम आगे सोचता है, और उनको घरों में नज़रबंद कर दिया गया, एक तरीके से गांव में ऐलान कर दिया गया था कि घुसने नहीं देंगे, वही चीज़ें हो रही है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट करके आप जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन कब खत्म होगा ये भी आप बताएं, और सरकार क्या ढीली पड़ गई है, या आंदोलन ढीला पड़ गया है, या फिर दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, कौन पहल करता है, कमेंट नीचे जरूर करें। और आप देखते रहे एक मत पोस्ट। नमस्कार।